नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पप्पू यादव लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, लेकिन फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है, अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पप्पू यादव को लेकर लगातार लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जानकारी आए, और उसी दिशा में एक मांग लोगों की ये उठ रही है कि आखिर ज़मीनी राजनीति करने वाले पप्पू यादव, बिहार वासियों के हर दुख सुख में खड़े रहने वाले पप्पू यादव, पटना बाढ़ में लोगों को ब्रेड और दूध का पैकेट देने वाले पप्पू यादव चुनाव में हार क्यों जाते हैं। इसी सवाल का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है, और चलिए इस बारे में सबसे पहले हमने आरजेडी से बात की। हमने आरजेडी से पूछा कि पप्पू यादव जो हैं, जो 1990 से लगातार राजनीति कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो 2015 में पहली बार तेजस्वी यादव का राजनीति में डेब्यू होता है, राजनीति में वो एंट्री मारते हैं। उसके बाद आज देखिए, एक और तो तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट है, नेता विरोधी दल है, और कई बड़े पदों को उन्होंने संभाला है 2015 से लेकर 2021 के बीच में। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए पप्पू यादव की, तो लगातार जिताऊ कैंडिडेट रहने वाले 1990 से पप्पू यादव 2015 के बाद हर चुनाव में हार जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? जब हमने आरजेडी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेशक तेजस्वी यादव 2015 में आए हैं, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर की तरह हैं, वो सचिन तेंदुलकर की तरह है जो 14 साल की उम्र में बड़े बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देते थे। जब इस बारे में हमने जेडीयू से बातचीत की तो उन्होंने तेजस्वी यादव कैसे क्रिकेट में 12th बॉय हुआ करते थे, उस बात का जिक्र करके पप्पू यादव की तारीफ की और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। सचिन तेंदुलकर तो 14 वर्ष के उम्र में कई दिग्गज गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे, तो तेजस्वी यादव जी को लोकतंत्र में जनता के दिलों पर जो राज करेगा, जिसको जनता स्वीकार करेगी, वही नेता हो सकता है, चाहे वो कितने कम दिनों से राजनीति कर रहा हो या ज्यादा दिनों से, ये मापदंड हो ही नहीं सकता। तेजस्वी यादव सरीखे जो नेता होते हैं वो सिर्फ राजनीति में इसीलिए हैं क्योंकि उनके पिताजी आदरणीय लालू जी हैं। इनके करियर के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप उठाकर देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये पढ़ाई में तो कुछ खास कर नहीं पाए, फिर क्रिकेट में भाग्य आजमाने जाते हैं, वहां भी 12th पैन बनकर सिर्फ पानी ढोना ही लिखा हुआ था, और अब जब कुछ बचा नहीं तो अनुकंपा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो इनकी तुलना किसी भी ऐसे नेता से नहीं हो सकती है जिसने अपने दम पर बिना विरासत के अपनी राजनीतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार की हो, अपना बेस तैयार किया। और इन सब के बीच बेशक जेडीयू पप्पू यादव को लेकर सॉफ्ट है और आरजेडी का पप्पू पर निशाना साधने पर आरजेडी पर पलटवार भी करती है, लेकिन इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार पप्पू यादव पर हमलावर है। बीजेपी नेता कैसे पप्पू पर निशाना साध रहे हैं, आइए देखते हैं। जो व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया और मधेपुरा से चुनाव लड़ा हो और वहां के जनता के द्वारा नकार दिया गया हो, वैसे नकारे व्यक्ति अपने जमीन की तलाश में पटना में आकर के ब्रेड बिस्कुट और दवाइयां बांट करके और बरसात के पानी में लोकल सहानुभूति लेने के लिए क्षणिक सहानुभूति से अपने जाति विशेष का वोट पाने के लिए वो व्यक्ति राजनीति छपास की बीमारी के चलते कर रहा हो, वैसे सीमांचल के आतंक के बारे में क्या कहना है। इस पूरे मामले पर हमने वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी से बातचीत की, उनसे पूछा कि आखिर जमीन पर काम करने वाले पप्पू यादव जब 2015 से चुनाव की राजनीति में जाते हैं, चुनाव में किस्मत आजमाने जाते हैं, तो उनकी पार्टी का भी बुरा हश्र होता है और पर्सनली उनका परफॉर्मेंस भी खराब हो जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं। जमीनी राजनीति में मजबूत होने के बावजूद भी पप्पू यादव जी चुनावी राजनीति में फेल है, बिल्कुल फेल है। उसका मुख्य कारण यही है कि वो अपनी औकात नहीं समझते हैं, उसका सही मूल्यांकन नहीं करते हैं। यह मामूली बात नहीं है कि मतलब इंडिपेंडेंट लोकसभा का चुनाव जीत जाना, पूर्णिया से इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं जीते, उसके पहले वो विधानसभा में चुनाव जीते हैं इंडिपेंडेंट, और जमीन पर इन्होंने काम किया है, लेकिन तब है कि ये ढाई मारते रहते हैं, क्योंकि लालू यादव से भी ढाई मार लिए, और ये अपने आप को समझते हैं कि हम मुख्यमंत्री के मटेरियल हैं, जबकि आप हैं नहीं, आप मुख्यमंत्री के मटेरियल थोड़े हैं। विश्वसनीयता अपना खो दिए हैं, कभी उधर उसके लिए काम करेंगे, कभी इसके लिए काम करेंगे। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की तुलना पर भी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि आखिर 2015 के बाद तेजस्वी यादव का
कद लगातार राजनीतिक बढ़ता चला गया और पप्पू यादव का जो कद है पॉलिटिकल वो क्यों घटता चला गया। बेशक उनकी एक छवि है जमीन पर काम करने वाली नेता की, लेकिन राजनीतिक कद जो है 2015 से लगातार पप्पू यादव का घटा है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई तेजस्वी से ज़्यादा ये मेहनत करते हैं जमीन पर, फिर भी तेजस्वी के आगे ये जीरो हैं। अरे भाई, तेजस्वी को विरासत में धन मिला है, धन मतलब जनता का धन, माने वो नहीं कि लालू की विरासत वो ले लिए हैं पूरा। और जब लालू के विरासत उनके साथ है, लालू 100 times मजबूत नेता है ना पप्पू यादव से। अब मैं आज भी कहता हूं कि अगर किसी के साथ ये रह गए, जैसे लालू के साथ ही रह गए, तो हमेशा ये लोकसभा में या विधानसभा में रहेंगे। अदरवाइज इनकी अपनी औकात नहीं है, पॉलिटिकल औकात, कि ये एक सीट भी जीत जाए। 1990 में निर्दलीय सिंहेश्वर से पहली बार विधायक बनकर आए थे पप्पू यादव। 1991, 1996, 1999 में लगातार सांसद रहे पूर्णिया से, वो भी निर्दलीय बिना किसी पार्टी के सिंबल पर। इसके अलावा 2004 और 2014 में आरजेडी के सिंबल पर पप्पू यादव जो हैं मधेपुरा सीट से सांसद बनकर या जीत कर आए थे, और इस दरमियान इन्होंने शरद यादव को भी बड़े अंतर से हराया था। लेकिन वही पप्पू यादव जब 2015 के बाद चुनावी मैदान में जाते हैं, अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं चुनाव के मैदान में, तो उनको करारी हार का सामना करना पड़ता है। तो इसके बाद लोगों के जहन में सवाल उठता था कि आखिर क्या वजह है कि पप्पू यादव जो हैं ज़मीन की राजनीति में तो टॉप हैं, लेकिन जब चुनावी राजनीति की बात आती है तो पप्पू फेल हो जाते हैं। इस पर हमने ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।